एक उत्पन्न एकादशी है। और दोस्तों सबसे पहले तो एकादशी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 10 इंद्रियां और एक मन होता है, इसलिए एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत का महत्व बहुत है, अच्छा है, और आप लोग व्रत रहिए। एकादशी के व्रत का नाम क्या है, आज उत्पन्न एकादशी है। विष्णु लक्ष्मी भगवान को प्रणाम करें। देखिए पीली किताब का मलट भी है, जो है पीले रंग का बनाया। तो दोस्तों भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीली, देखिए हमारी जो हम दीपक जलाते हैं वो भी पीला होता है। तो दोस्तों देखिए आप पीले वस्त्र पहनिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से बड़े सरल सहज स्वभाव से भगवान कहता है हमको कोट कोट प्रणाम करो, हमारे चरण चरणों में झुक कर तो देखो शीश तेरा उठा देंगे, हमारे दर पर आकर देख तेरा भाग ना खोल दें। तो दोस्तों आज एकादशी है और उत्पन्न एकादशी ना है, तो आज दोस्तों आज ऐसे अपने सच्चे भाव से अच्छे मन से पूजा करें, हाथ जोड़ें। अगर दोस्तों आपके घर में कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनकी जय जयकार करें। अगर किताब है तो आप कथा भी पढ़ सकते हैं, पूजा अच्छी तरह से करें। तो दोस्तों आज पीला महत्व, भगवान को पीली हर चीज़ पसंद थी, भोग में पीली चीज़ से लगाइए। आप घर में बना सकते हैं, बाजार नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आपके घर में भगवान की कृपा सब कुछ भरा रहता है। नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, दर प्रणाम करें और उनके दर पर प्रार्थना कर सकते हैं, सीध झुकाएं। तो दोस्तों एकादशी महारानी की जय, और कथा भी पढ़ें, सब कुछ करें। तो आज एकादशी की व्रत की महात्म की कथा है, और पील नहा दो कन्या व्रत करके आसन पर, पीला आसन हो, सब चीज़ पीली होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी जो बड़ी विष्णु लक्ष्मी भगवान की पूजा करें, और यही हमारी एकादशी का सारी कथा है, यही हमारा जीवन का सार है। तो दोस्तों हम बड़े अच्छे मन से भाव से बोलो एकादशी महारानी की, बोलो विष्णु लक्ष्मी व्रत की मातम की किताब है एकादशी की। और ये सबसे पहले देखिए ये उत्पन्ना एकादशी लिखी है, तो ये आज वही है। तो शंकर जी जो है नारद जी को समझाते हैं और एकादशी का सार बताते हैं, कहते हैं इसमें ये आज बहुत उत्तम है और नक्षत्रों में जो का विशेष उसमें योगदान है। जया विजया के द्वारा चार नामों से विख्यात है कि नंबर चार नामों से विख्यात है, पहले जो है पुनर नक्षत्रों, दूसरा स्थिति जया कहलाती है, इसलिए वो में चार प्रकार की बताए हैं। तो चार प्रकार से लाभ होता है, और पूरी कथा करें, पढ़ें और सुनाएं। हाँ। तो पढ़ें और सुनने से हमारा उद्धार होता है। दो दोस्तों मन से रहें, और अगर आप व्रत नहीं रह सकते दोस्तों, आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों आप पूजा कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, कुछ मत करें। तो दोस्तों मंदिर जा सकते हैं, अगर आपको बीमारी है, हारी है, तो दोस्तों कुछ भी मत करें, हाथ जोड़ने मन में ध्यान करें, एकादशी महारानी की जय बोल दें। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पाप इस तरह से टल भी जाए। भगवान बड़े सरल सहज स्वभाव से हर बात बताते हैं, हर बात समझाते हैं। दोस्तों बस हमारी बुद्धि का थोड़ा फेर हो जाता है, हमें समझने में कुछ देर से आती है, उसको जल्दी आए। तो दोस्तों हमारे जो हम बोलते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आज बोलो उत्पन्न एकादशी महारानी, बोलो विष्णु लक्ष्मी भगवान की।